अस्सलाम गाइस, दिस इज अर्शद जाट विद यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज गाड़ी पे डिलीवरी करने का जो तरीका है किस तरह करते हैं वो दिखाते हैं जी। ये मेरी एप्लीकेशन है डिलीवरी राइडर ऐप, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और इस एप्लीकेशन की ये मौज है कि आप जिस टाइम मर्जी काम करना चाहें कर सकते हैं। ऑनलाइन करूँगा मैं, ऑनलाइन हो जाऊँगा। अगर मुझे इस जोने के अंदर कोई ऑर्डर मिला है, अगर काम हुआ तो मुझे इधर ऑर्डर आ जाएगा और जो है वो मैं काम कर सकूँगा, ठीक है। अभी हम ड्राइव करते हैं साथ साथ और देखते हैं कोई ऑर्डर आता है तो वो पिक कर लेते हैं, ठीक है जी। पिक करने से लेके ऑर्डर डिलीवर करने तक सारा मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। किस तरह ऑर्डर पिक करते हैं, किस तरह रिसीव करते हैं ऑर्डर, ठीक है। एप्लीकेशन का यूज़ और डिलीवरी सारा कुछ, और एक ऑर्डर पे हम कितना मुझे सेविंग होगी सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा इसमें, ठीक है जी। क्या आमदन है एक घंटे का, एक ऑर्डर का क्या हिसाब किताब है, डिलीवरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें। सो गाइस, ये देखिए मुझे ऑर्डर आ गया जी, 3.96 यूरो का ऑर्डर है। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने जो है ना ऑर्डर पिक करना है। जो ऊपर जो पहला ऑप्शन है वो पिकअप ऑप्शन है कि यहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना है, और नीचे वाला जहाँ पे हमने ऑर्डर देना है, दोनों का जो स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, नंबर सारा कुछ आता है। तो मैं ये एक्सेप्ट करूँगा एंड गो करूँगा, ठीक है, अगर मेरा दिल किया तो। मैंने इसको एक्सेप्ट किया, आगे मुझे रेस्टोरेंट का नाम ऊपर आ गया और नीचे उसका एड्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है। आप मुझे गूगल मैप पे जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसी एड्रेस पे जाना है, मैंने बस यहाँ पे किधर क्लिक करना है ऐसे और गूगल मैप ड्रैक जो है ना वो खुल जाएगा। इसमें ऑप्शन है आपका डिलीवरी का अपना भी गूगल मैप, एक मैप होता है और एक और मैप होता है, यहाँ 2-3 ऑप्शन है, आप अपने पसंद का मैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर योर लोकेशन से लेके जहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे मैंने जाना है वो ऑटोमेटिक है, बस मैंने स्टार्ट करना है और इसको फॉलो करते हुए मैंने पहुँच जाना है, ठीक है। 10 मिनट की ड्राइव है और ये जो है ना मैंने ऑर्डर पूरा करके मेरे 4 यूरो हो जाएंगे, वो प्लस मे बी प्रमोशन भी मिल जाए और मे बी जो जिसको मैं ऑर्डर देना है वो मुझे टिप भी दे दें। तो ये हम जब हम रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं तो हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये मैं अपने जो है ना डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ जहाँ से मैंने पिक करने ऑर्डर डन किया जी, इसको मैंने उड़ा दिया, ये डिलीवरी पे आ गया। यहाँ पे मैंने अराइव्ड कर देना है कि जी मैं पहुँच गया हूँ, उनको चला जाएगा मैसेज। ये ऑर्डर नंबर होता है जी 62540 ऑर्डर नंबर है, ये मैं अभी अंदर जाऊँगा, जब मैं ऑर्डर पिक कर लूँगा फिर मैं इसको मार करके कलेक्टेड ऑर्डर पिक करूँगा कि मैंने कलेक्ट ऑर्डर कर लिया है, लेकिन मैंने अभी नहीं करना, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, फिर आपके अंदर के हाल दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है कि मैं हम 2 मिनट में तैयार करके जो है देते हैं, ठीक है जी। ये मैं भी हमारे लिए डिलीवरी वालों के लिए एक सेपरेट टेबल बना होता है, यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। ये बैग है, इसको हमने खोलेंगे, इसके अंदर हम पीला डालेंगे और ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा, फिर हमें इधर ऑर्डर देना है, उसकी जो है वो लोकेशन आ जाएगी, उस पर हमने सिर्फ क्लिक करना है और हमने उसको गूगल मैप पे ओपन कर लेना है और फिर जो है हम उधर पहुंच जाएंगे, ये सीन है। और दोस्तों ये बैग है डिलीवरी वालों का, ये बहुत अच्छा है बैग है, मैं ये प्रेफर करता हूँ गाड़ी व खास तौर पर गाड़ी वालों के लिए, बहुत कंफर्टेबल है ये पिज़्ज़ों के लिए भी, और जो है ना कोई भी ऑर्डर जो है शॉपर वगैरह में, जब आपने कोई शॉपर वगैरह लेना है, ठीक है, तो वो आप इस तरह इसके अंदर डाल, इस तरह ये सीधा जाता है, और अगर हम पिज़्ज़े डालें तो हम ये इस तरह कर लेंगे, उसी सीधे पिज़्ज़े आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ काफ़ी पिज़्ज़े आ जाते हैं, ठीक है। और आप जो है ना वो दो बैग भी आपने साथ गाड़ी में इस तरह के रख सकते हैं, ये प्रेस भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये अगर आपके पास ऑर्डर कोई बड़ा आ जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये अब मेरा ऑर्डर भी बन जाएगा थोड़ी देर में, वो लेके आ रहा है। तो शायद एक और चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने जाके बता दिया कि ये मेरा ऑर्डर नंबर है तो मेरा ऑर्डर तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो अगर आपको वेट करने के लिए बोलते हैं तो आपने यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है, ये जो सवाल या निशान और उसके अंदर इर्द गिर्द गोल दायरा बना हुआ है, आप इधर क्लिक करें, इसके ऊपर ऊपर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट टेकिंग टू लॉन्ग, इसके ऊपर आपको टाइम वेटिंग हो गया जी 7 मिनट मुझे हो गए वेट करते हुए, अगर आप रिपोर्ट लॉन्ग वेट पर क्लिक कर दें तो उन तक बात पहुँच जाएगी डिलीवरी वालों के पास के बंदा वेटिंग में है, ऑर्डर अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है जी। इसके भी पैसे आपको मिलते हैं जो आप वेट करते हैं, उसके भी आपको वो पे करेंगे। मसलन मैंने अगर आपको आपके सामने 3 यूरो और पता नहीं 90 सेंट का ऑर्डर था, तो जब मैं वो कंप्लीट करूँगा वेटिंग टाइम डाल के उसके अंदर वो मे बी 4 यूरो कुछ सेंट हो जाए, तो ये चीज़ होती है। ये ऑर्डर आ गया,
ये आ गए दो पिज्जे मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए जी, मैंने इसको बंद कर देना दीपी के साथ। ओके ओके बंद हो गया, हम जा रहे हैं गाड़ी में। कर लिया इसको मैं इधर क्लाउड कर दूंगा कलेक्टेड ऑर्डर, ये कलेक्टेड ऑर्डर पे आ गया। आगे जिधर ऑर्डर देना वो उसका एड्रेस आ गया, नीचे उस बंदे का नाम आ गया वो क्या। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो है ना गूगल मैप खुल जाएगा, मैं आपको मजीद गाड़ी में जाके करता हूँ। हाँ जी, ये मैं गाड़ी में बैठ के जो बैग मैंने रख दिया अपने साथ, ये सिर्फ इधर डायरेक्शन के लिए इधर क्लिक करूँगा। ये अभी जो है ना वो जिधर ऑर्डर देना है उधर सीधा, बस मैंने ये इधर स्टार्ट करा, सारी सुंगली का काम है जी, टक 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 करना है बस, और आपने ऑर्डर भी इसी उंगली से पिक करना है और सारी चीज़ें जो है ना इसी से होती हैं सारा कुछ। ठीक है ये मुझे कह रहा है कि इधर से ऐसे जाऊँ, मैंने इशारा लगा लिया और अपन इसके पीछे लग गया। ओके जी कोई नहीं, मैंने अराइव पे क्लिक कर देना है अराइव, और ये जनाब मार्को जे नाम है बंदे का, दो नंबर है जी भैया, इधर मैंने दो नंबर ढूंढना है अभी। ठीक है जी ओके। ऊपर चीज इन्होंने वंडरलैंड लिखा हुआ था ना, ये एक चाइनीज कंपनी है, मीन्स के उनका नाम लिखा है वंडरलैंड, वो लिखा है वंडरलैंड, और जाके हम पूछेंगे कि मार्क कौन है। ठीक है जो मार्क होगा उसको हम ऑर्डर देंगे और हम जो है ना चले जाएंगे, पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है, अगर ना हो तो फिर अगर लेनी हो तो लिखा था कि किस लेनी है। ठीक है जी मार्को, ये मार्को देखा आपने, मार्को बंदे का नाम था नीचे, वो उसने नोट्स में लिखा हुआ वंडरलैंड के। एक सम टाइम क्या होता है कि दुकानों का नाम वो लिख देते हैं, ठीक है कोई चीज़ हो तो, सम टाइम ऐसे होता है कि लिखा होता है कि जिसके सामने हम जो है ना वो आतो कारों के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, इस तरह भी होता है। तो मैंने तो क्लिक करूँगा और जो है ना वो मैं कर दूँगा डिलीवरी कम्प्लीट, डिलीवरी कम्प्लीट कर दी, ओके कर दिया जनाब, ये हमें ऑर्डर कम्प्लीट हो गया। ठीक है जी तो ये देखिए 3.96 यूरो मिल गया मुझे एक ऑर्डर के। गाइस मैंने अगर आप देखिए मैंने ऑर्डर कम्प्लीट कर लिया, अभी मैंने अभी मैं घर जाना चाहता हूँ, ठीक है तो मैं साथ ही गो ऑफलाइन कर दूंगा। अगर लास्ट यहाँ पे भी अगर आपने लास्ट ऑर्डर इधर लिखा होता है सम टाइम के दिस इज़ माई लास्ट ऑर्डर, अगर आप अगर उसको मार्क कर दें तो ऑर्डर कम्प्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली भी आप ऑफलाइन हो सकते हैं। तो मैंने अभी ऑफलाइन कर दिया, मीन्स कि मैं अभी ऑफलाइन हो गया हूँ। ठीक है तो आप अभी जो मर्जी करें, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है जो आपको डायरेक्ट उस पेज में ले जाएगी जहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है जी तो उस लिंक से आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। तो गाइस मैं अभी ग्लोवो की भी वीडियो बनाने लगा हूँ कि कैसे ऑर्डर कम्प्लीट करते हैं, ठीक है ग्लोवो का कैसे काम करते हैं, इतना फ़र्क नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दिखा देता हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा ग्लोवो वाली। थैंक यू ओके बाय अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।